और चलिए बात करेंगे भोपाल की, जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही। कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मोहर लगेगी। लाइनमैन के लिए जोखिम भत्ता को मंजूरी मिल सकती है। लोकायुक्त के 475 अस्थायी पदों को जारी रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है। निवाड़ी के लिए जिला शिक्षा केंद्र के दफ्तर में पदों को मंजूरी का प्रस्ताव है। एक जिला एक उत्पाद के प्रशिक्षण की योजना का भी प्रस्ताव है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर रीवा के चौकीदार के अस्थायी पदों को जारी रखने का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों की सरकारी जमीन राजस्व कोर्ट की कंप्यूटरीकरण परियोजना लागू किए जाने का भी प्रस्ताव है। वहीं देवी अहिल्याबाई होलकर स्मारक और प्रतिमा स्थापित करने के लिए फ्री में जमीन देने का भी प्रस्ताव है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के तहत नए अस्पताल के लिए बता दें आपको कि 972 पदों को मंजूरी देने का प्रस्ताव आ जाएगा।